धनबाद बोकारो डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन का 9वां स्थापना दिवस बोकारो के सुविधा विहार सेक्टर 4 में संपन्न हुआ। वहीं कार्यक्रम में बोकारो डिस्ट्रिक्ट के लगभग 100 प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने शिरकत की। आपको बता दें कि इस संस्था की स्थापना 2014 में कुछ फोटोग्राफर्स के द्वारा की गई थी और आज करीब 140 प्रोफेशनल फोटोग्राफर इसके सदस्य हैं। संस्था का उद्देश्य आने वाले समय को देखते हुए फोटोग्राफी में स्किल डेवलप करना है, साथ ही नए इक्विपमेंट की ट्रेनिंग देना है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संस्था के सदस्यों ने केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। साथ ही साथ कैमरा लेंस कंपनी ट्रिम्बून के अधिकारी ने सदस्यों से क्विज प्रतियोगिता करवाकर लोगों को पुरस्कृत भी किया। 9वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस स्थापना दिवस में हम लोग वीरन सत्रा सर का मोनार्च से आज और नाइन से क्लास के बारे में बात किए और ये बर्चर के हिस्सा लिए और उस प्रोग्राम को आज हम लोग करा रहे हैं। इसमें टेमरॉन भी हम लोग के साथ सपोर्टिंग में है और मेंबर हमारे अभी 120 मेंबर आ चुके हैं और हम लोग हर एक साल की तरह आज बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे आज हम लोग ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया वर्क स्मार्ट, तो ये वर्क स्मार्ट स्पेशल वर्कशॉप है जिसके अंदर हम फोटोग्राफर को उनका एटीट्यूड, बिजनेस, नई टेक्नोलॉजी, ग्रो करना है तो क्या करना है, उसके लिए हम लोग पूरा वर्कशॉप कर रहे हैं। उसके अलावा हम एक नई टेक्नोलॉजी को उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो स्पेशली वीडियोग्राफर के लिए, एडिटिंग के लिए, यानी कि आजकल जो रील चलता है, हाईलाइट चलता है, टीजर चलता है, व्हाट्सएप इन्विटेशन चलता है, ये सब बनाने में बहुत ही दिक्कतें आती है। तो मोनार्क ने एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है जिसका नाम है स्मार्ट कट प्रो। ये प्रोडक्ट एब्सोल्युटली यूजर फ्रेंडली है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, यानी हमने खुद ने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें घंटों का काम मिनटों में हो सकता है क्योंकि वो प्रोडक्ट इतना यूजर फ्रेंडली है, उस तरह का टूल डिज़ाइन किया है जिससे कोई भी बंदा। धनबाद से अगली खबर है जहां के पंपू तालाब में अचानक हजारों मछलियां मरी हुई पाई गई हैं। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के रेलवे लोको टैंक यानी कि पंपू तालाब, जहां पर भारी मात्रा में मछलियां तालाब के किनारे ही मरी हुई पाई गई, लगभग 1 क्विंटल से ज्यादा मछलियां मर गई हैं। मछलियों के मरने की जानकारी पाकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तालाब पर रेलवे ध्यान नहीं देता, तालाब में गंदगी का अंबार है, साथ ही केमिकल युक्त गंदा पानी भी इस तालाब में आकर मिलता है और निगम भी तालाब की सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा, यही वजह है कि जहरीला पानी हो गया है जिससे मछलियां मर गई हैं और मछलियों के मरने से आसपास दुर्गंध भी फैल गई है जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यह एक गंदगी की वजह से मारा जा रहा मछली। हर साल का नियम है कि पानी पड़ने के बाद गंदगी की वजह से मछली मारा जाता है। अब तो ऐसा लगता है कि बाजार में मछली हम लोग भी नहीं खाएं, समझे? अब समझे, देख रहे हैं आपका हालात, देख रहे हैं मछली का क्या क्या हो गया है। बहुत कतार में मछली, हाँ बहुत कतार में। रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या गंदा पानी आता है? गंदगी पानी है, इधर उधर से नाला का पानी भी गंदगी आता है, समझे? उसके वजह से सारा मछली मारा जाता है। नहीं, दवाई नहीं डाला जाता, गंदगी का, गंदगी का वजह से प्रत्येक साल का है। नुकसान कम से कम लाखों रुपए का तो नुकसान जरूर होगा। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है, यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसीलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपने स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, Accenture, JP Morgan, JPT, TCS, Wipro, ITC, Federal Bank, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।